नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा में लकड़ी माफियाओं द्वारा कई हरे भरे वृक्षों को धराशाही कर परिवहन कर ले गए, लेकिन जिम्मेदार अपने कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहे, जिससे कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की मौन स्वीकृति के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। खंडवा जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र पंधाना की ग्राम पंचायतों, जिसमें मुख्यतः अंजन गांव, घाटाखेड़ी, आरुद व बावली अंतर्गत आने वाली राजस्व विभाग की क्षेत्र भूमि पर लगे कई वयस्क हो चुके फलदार आम, छायादार महुआ, बबूल एवं विशेषकर ऐसे वृक्षों जिसकी वजह से निमाड़ क्षेत्र का नामकरण हुआ है, ऐसे औषधि युक्त नीम के पेड़ों को कुछ रुपए कमाने की गरज से लकड़ी माफियाओं द्वारा आधुनिक तरीके से निर्मित वुडन सॉ कटर मशीन की मदद से कुछ मिनटों में ही इन हरे भरे वृक्षों को काटकर हाथों हाथ परिवहन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। तो वहीं सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए तैनात किए गए पटवारियों द्वारा अपने हलकों में जाना भी मुनासिब नहीं समझा जाता है। वहीं जब इस विषय पर लोकप्रिय जनप्रतिनिधि व क्षेत्रीय विधायक राम दांगौरी से बात की गई तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि मुझे इस बारे में कुछ दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि मैं इस कार्य में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही कराऊंगा, परंतु अभी भी क्षेत्र के पटवारियों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र के हलकों में जाता नहीं देखा जा रहा है, जिससे इन लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, या फिर इस मामले में क्षेत्र में नियुक्त अमले की मिली भगत से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है, जो यह मामला एक प्रश्नवाचक चिन्ह की ओर इंगित करता नजर आ रहा है। विधायक जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ रेवेन्यू एरिया जिसमें घाटी खास, अन्य गांव, अरुण जैसे गांव हैं, वहाँ पर लगे हुए जो खेत हैं, वहाँ से कुछ जो के औषधि पूर्वक निपुण पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं और छायादार पेड़ हैं, उनकी बड़ी मात्रा में कटाई की गई है और उसमें अभी तक के कोई भी किसी भी प्रकार का जो रेवेन्यू संबंधित पटवारी हो या उस क्षेत्र में काफ़ी हमारा फॉरेस्ट एरिया भी है और वहाँ पर भी पिछले 6-7 महीने पहले लगातार कई बड़े बड़े पेड़ों की कटाई हुई थी, उसकी शिकायत भी मैंने करी थी और कुछ लोगों के ऊपर 6-7 महीने पहले कार्रवाई भी हुई है। अभी आपने रेवेन्यू एरिया में औषधि वृक्षों, छायादार वृक्षों, आम के पेड़ों की बात कही है, मैंने उसके वीडियो भी देखे हैं। वहाँ के अनुभागीय अधिकारी से मेरी बात हुई है, जैसे ही उसकी जानकारी आती है पंचनामा बना करके जो भी संबंधित व्यक्ति उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। क्या इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती नहीं जा रही है पटवारी द्वारा कि वो अपने हल्के में नहीं घूम रहे हैं? लापरवाही जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए वो सब बात का इशू है, उसको अपने क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करवा दूंगा। सर, एक मामला संज्ञान में है मीडिया के द्वारा आपको दिया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत घाटाखेड़ी है, आरुद है और अंजन गांव है, उस क्षेत्र में वन कटाई, माफ कीजिएगा, पेड़ कटाई अधिकांश रूप में देखी जा रही है, उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि पटवारी द्वारा आपको उनके हलके में घुमा जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, कल ही मेरे संज्ञान में विषय आया, मुझे कहीं से वीडियोज भी आया इसके लिए जी, मैंने देखा है उसमें कई खेतों में जो मेड़ पर पेड़ होते हैं वो कटे हुए दिखे मुझे भी इसमें, और मैंने उसी समय अपने तहसीलदार को ये बात बताई और उसने उस समय पटवारी से बात की। पटवारी द्वारा ये बताया गया कि उसमें एक पटवारी द्वारा बताया कि उसने रिपोर्ट दी है उसमें जो घाटाखेड़ी का है, और दूसरे पटवारी को भी बोला गया कि इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। और मैंने सभी पटवारियों और सभी हमारे जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको निर्देश भी किया कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि आप लोग हल्के में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो उनको निर्देश किया कि आप लोग अपने जगह पर रोज जाएं, वहाँ पर लोग जो भी समस्याएं हो की वो सुने और अगर कोई इशू होता है तो हमें अवगत कराएं ताकि हम भी उसमें संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकें। सर, अंजन गांव में महज 500 मीटर की दूरी होगी, उस 500 मीटर की दूरी पर ही फलदार बड़े तने के वृक्ष कटे हैं, नीम के औषधि वृक्ष भी कटे हैं, महुआ के भी कटे हैं। मैंने इसकी संज्ञान में लिया इसको और तहसीलदार को जांच के लिए बोल दिया है,
तो त्वरित ही कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें जिसकी भी लापरवाही होगी और जिसने भी ये काम किया होगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर सुपरिचित है आपका, सुपरिचित है आपका, हेलो सुपरिचित है आपका सर। मैं SDM पन्हाना राहुल गुप्ता। खबर समय जगत के लिए खंडवा से मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।